Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. Welcome Ethicers, this is your admin Saurav. In this whole video, we are going to achieve the more responsive topic, that is Windows account footing attack. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये एथिकल हैकिंग का चैप्टर 14 है जिसमें हमें विंडोज़ अकाउंट फूटिंग चैप्टर पढ़ना है. विंडोज़ अकाउंट फूटिंग का उपयोग हम तब करते हैं जब हम चाहते हो अपने विक्टिम के सिस्टम को बिना यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करना, तब हम विंडोज़ अकाउंट फूटिंग इंजेक्शन का उपयोग करते हैं. क्लियर? इसका उपयोग करके आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हो जिस यूजर अकाउंट में कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होता है, और उस यूजर अकाउंट के ज़रिए आप अपने विक्टिम का सिस्टम यूज कर पाते हो. ओके, सो ऐसा करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिसका नाम मैं यूज़र रखूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन बैच होगी. क्योंकि मैं बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में कोडिंग करूंगा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन बैच होनी चाहिए. ओके गाइज, यह वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि आपको बैच प्रोग्रामिंग का सही उपयोग पता चल सके. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है. ओके, जब आप कंट्रोल पैनल में जाओगे तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट, इसमें दो डिफ़ॉल्ट अकाउंट आपको दिखते हैं. एक गेस्ट डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है जो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट देती है जब आप पासवर्ड नहीं लगाते हो अपने कंप्यूटर में तब, और जब आप पासवर्ड लगाते हो तब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट दिया जाता है जिसकी वजह से उस कंप्यूटर को सिर्फ आप ही यूज कर पाते हो. क्योंकि ये जो अकाउंट होता है पासवर्ड के ज़रिए आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर देता है. ओके, तो सपोज करें यहाँ पे और भी अकाउंट्स बनाया जा सकता है. अगर उन अकाउंट्स में पासवर्ड ना हो तो उन अकाउंट्स के ज़रिए इस कंप्यूटर को आसानी से चलाया जा सकता है. ओके, ये जो आप गेस्ट अकाउंट देखते हो, इस गेस्ट अकाउंट में भी पासवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट बनाते हैं तो ये गेस्ट अकाउंट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है जिन्होंने इस कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाया है. ओके, तो सपोज करें एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना हुआ है और उसमें पासवर्ड लगा हुआ है. ओके, आप चाहते हो उस कंप्यूटर को उपयोग करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस एडमिनिस्ट्रेटर ने पासवर्ड लगाया है उस एडमिनिस्ट्रेटर से आपको अकाउंट बनवाना होगा यहाँ पे, ऐसा अकाउंट जिसमें पासवर्ड नहीं हो. ओके, तो क्या जो आपका विक्टिम है ऐसा करेगा? पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको कंप्यूटर चलाने के लिए इस तरह के अकाउंट क्रिएट कर देगा. लेकिन आप मलिशियस कोड के ज़रिए ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो जिस पे अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने क्लिक कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता भी नहीं चलेगा और उसके कंप्यूटर के अंदर ढेर सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, और अगली बार उस कंप्यूटर को जब ओपन किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी होंगे और वो सारे अकाउंट्स भी होंगे. तो सिंपली आपको तो पासवर्ड पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का, तो जो अकाउंट आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट किया गया है उस अकाउंट पे क्लिक करके आप इस कंप्यूटर को यूज कर पाएंगे. ओके, सो प्रॉपर्ली अचीव करते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमें कैसे डेवलप करना है. सो अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लो, यानी कि नोटपैड, और इसमें बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों को राइट करो. ओके, सिंपली अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि बैच प्रोग्रामिंग के स्क्रिप्ट को एक्सेस करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी मेंटर स्क्रिप्ट राइट करना होता है जिसे हम इको ऑफ के नाम से जानते हैं. इसका मतलब है आपने अपने बैच प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर लिया है और अब आप आगे मलिशियस कोड राइट कर सकते हो. ओके, तो सिंपली
हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जैसे मैंने एक्स के नाम से बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वेरिएबल अनलिमिटेड टाइम एग्जीक्यूट करे। इसके लिए मैं इसके पहले कॉलन का साइन दूंगा। ओके, अब जो स्पेशली यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कमांड होते हैं उनको आपको राइट करना होगा। तो सिंपली आप राइट करोगे नेट और फिर स्पेस देकर राइट करोगे यूजर। अब आप चाहते हो जो यूजर अकाउंट बने वो रैंडमली बने। ओके गाइस, आप एक यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपके विंडोज़ का जो फायरवॉल होगा वो इस प्रोग्राम को डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा। इसलिए आपको मैक्सिमम यूजर अकाउंट बनवाना होगा अपने विक्टिम से। ओके, अगर विक्टिम ने 2 मिनट तक सॉफ्टवेयर को खोल कर छोड़ दिया तो ढेर सारे यूजर अकाउंट्स बन जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप कौन से अकाउंट से उस सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो। तो सिंपली मैक्सिमम अकाउंट बनवाने के लिए मैंने 2% के अंडर राइट किया है रैंडम। ओके, सिंपली अब रैंडम के बाद आप लगाओगे बैक स्लैश और फिर राइट करोगे ऐड। तो इसका मतलब है बहुत सारे यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे और तब तक क्रिएट होते रहेंगे जब तक विक्टिम ने सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है। सिंपली मैं एक कमांड राइट करूंगा गो टू एक्स। इसका प्रॉपर यूज हम समझते हैं, जरा आप ध्यान दें। जब आप यहाँ वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसके नीचे मलेशियस कमांड राइट करते हो तो ये मलेशियस कमांड इस वेरिएबल का वैल्यू बन जाता है। ओके, तो सिंपली जब आप एक्स को कहीं से ट्रिगर करोगे तो इसका मतलब है आप इस कमांड को ट्रिगर कर रहे हो। ओके, तो अगर आपने गो टू के साथ एक्स को कॉल किया है तो इसका मतलब है ये जो कमांड है वो एक्स के द्वारा यानी कि इस वेरिएबल के द्वारा मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके, आप एक से ज़्यादा टाइम्स यूजर अकाउंट बनवाना चाहते हो तो सिंपली जरा आप देखिए ये जो आपने कमांड राइट किया है ये मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट हो सकता है जब ये इस वेरिएबल का वैल्यू बने, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये खुद मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो एज अ वैल्यू हमने यहाँ पे जो कमांड राइट किया है उस कमांड को हम बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए गो टू कीवर्ड के ज़रिए एक्स को कॉल कर रहे हैं। ओके, सिंपली फाइल ऑप्शंस में जाए, सेव एज कमांड को चुने। डेस्कटॉप लोकेशन किसी भी लोकेशन पे आप किसी भी नाम से सेव करें, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन डॉट बैच रखें, क्योंकि आपने बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में कोडिंग राइट किया है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसकी एक्सटेंशन बैच रखनी होगी। ओके, सो गाइस, ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के द्वारा काम करता है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इसकी एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट exe हो। ओके, तो इसकी एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट bat है, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कैसे करेगा, तो इसके लिए आपको इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी होगी। तो एक्सटेंशन चेंज करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, bat to exe converter। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली अब इस bat फाइल को मैं exe में कन्वर्ट करने जा रहा हूं ताकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। ओके, तो मैं बैच टू exe कन्वर्टर को ओपन करूँगा। सिंपली जिस बैच फाइल का मैं exe बनाना चाहता हूँ उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, मैंने यूजर को सेलेक्ट किया। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप सेव करके कहाँ रखना चाहते हो exe फाइल को, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप सेट है, तो मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ। ओके, इस प्रोग्राम को रन होने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज चाहिए, तो आप जरा ध्यान से देख ले ये जो ऑप्शन है ऐड एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज, इसको आपको ऑन रखना है। ये बहुत मस्ट है, 32-bit या 64-bit, हर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी बिट डायरेक्टर से इनकोडेड होता है। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हो तो कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर देगा कि कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो आपके विक्टिम के सिस्टम में कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करोगे। मैक्सिमम आपके विक्टिम के सिस्टम में 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि अगर आज के जनरेशन का सिस्टम है तो उसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit का ही होता है। सिंपली अब आप कंपाइल पे क्लिक कर दें। ओके, ये देखो
आपका exe फाइल रेडी हो चुका है। अब आपको इस बैट फाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। लेकिन आप जरा इसको देखो, ये दिखने से ही मेलिशियस फाइल लगता है, यानी कि इसके आइकन को अगर आप चेंज कर दो तो ये और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो इसके आइकन को चेंज करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो आइकन चेंजर नाम का, ओके। तो आइकन चेंजर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ओके। मेरे कंप्यूटर्स में इसका सेटअप फाइल मौजूद है, सो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मैं exe फाइल का आइकन चेंज कर सकूँ, ओके। वेट कर लेते हैं, जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली आप ढूंढो कि इंस्टॉल होकर कहाँ गया है ये, ओके। यहाँ इंस्टॉल्ड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो ओके करोगे आप, फाइल को चूज करोगे जिसका आइकन आप चेंज करना चाहते हो, मैंने चुन लिया exe फाइल को, मैं ओपन करूँगा और अच्छा सा कोई भी आइकन चूज कर लूँगा, जैसे मैं ये चूज कर लेता हूँ, ओके। सिंपली आप यहाँ देखो सेट पे आपको क्लिक करना है और वेट करना है, ये दोनों आइकन जब चेंज्ड नज़र आए आपको तब आप इसको कट कर दो, ओके। तो ये आपका सॉफ्टवेयर का आइकन चेंज हो चुका है, ओके। अब आपका जो विक्टिम होगा इसे देखकर इस पे शक नहीं करेगा कि इसके अंदर किस तरह का कोड एक्टिवेटेड है सिंपली। तो इसको रन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूज़र अकाउंट अभी इस सिस्टम में दो हैं, ओके। अब जब विक्टिम इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेगा और यस करेगा, जल्दी से आप इसको कट कर दो, क्योंकि ये जितना देर खुला है उतना यूज़र अकाउंट आपके सिस्टम में क्रिएट कर देगा, ओके। अब मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाए, ऐड और रिमूव अकाउंट पर क्लिक करें, ध्यान से देखें, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी है, ढेर सारा स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जब ये सिस्टम ऑफ होगा और फिर ऑन किया जाएगा तो ये सारे अकाउंट्स का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, ये भी अकाउंट्स आएगा एडमिनिस्ट्रेटर वाला भी। लेकिन आप इसको कैसे खोलोगे, इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है, तो सिंपली आप इनमें से किसी भी अकाउंट पर क्लिक करोगे ना तो ये आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा, ओके। सो गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, हैकिंग जो भी होती है उसमें सबसे ज़्यादा हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिमाग के खेल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हैकर्स के पास प्री डिफाइंड मेलिशियस कोड नहीं होता है किसी डेटा को हैक करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा वो दिमाग लगाते हैं कि आप कहाँ पे कैसे इंजेक्ट करोगे जिससे डेटा की इंफॉर्मेशन आप चुरा सकते हो, ओके। तो कोई भी हैकिंग अगर मैक्सिमम स्ट्रांग होता है तो वो सोशल इंजीनियरिंग से होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपके दिमाग की कैपेबिलिटी जितनी होगी आप उतना अच्छा हैकिंग कर पाओगे, ओके। सो गाइज, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह नहीं जानते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, आपको वेब डिज़ाइन और ऐप डेवलपमेंट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिससे जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ डेवलप करना आ जाएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, कैसे गेम्स बनाते हैं, कैसे एप्लीकेशंस बनाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर्स, गेम्स और एप्लीकेशंस को हैक करना चाहते हो तो तभी आप हैक कर पाओगे जब आपको पता होगा कि उस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और गेम्स को कैसे डेवलप किया गया है, ओके। तो अगर आप चाहते हो हैकर्स बनना, सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्लीकेशंस कैसे हैक होते हैं ये सीखना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं। तो जब आपको बनाने आ जाएगा तो आपके दिमाग की कैपेबिलिटी ऑटोमेटिक इतनी बढ़ जाएगी जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा किसी सॉफ्टवेयर के डेटा को मुझे कैसे हैक करना चाहिए, ओके। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।